आज बना रहे हैं वेज कबाब रेसिपी, तो ये कोई नॉर्मल कबाब्स नहीं है, इनको हम न्यूट्री सोया चंक्स और कुछ वेजिटेबल्स के साथ में बनाएंगे, जो खाने में तो बहुत ही टेस्टी होंगे और हेल्दी भी बहुत होंगे। और साथ में हम इसमें लाए हैं एक और ट्विस्ट कि बच्चे भी इसको इंजॉय कर सकें, तो इसको हम बनाएंगे वेज कबाब रैप्स। तो यहाँ पर एक रेसिपी के साथ साथ दो दो डिश बनेंगी। हेलो फ्रेंड्स, सोनियाज़ किचन में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं इन वेज कबाब्स और इनके साथ में बनने वाले रैप्स को घर में बहुत ही आसानी के साथ कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक पैन ले लिया है और इसमें मैंने पानी डाल दिया था, ड्रिंकिंग वाटर। तो जैसे ही थोड़ा गर्म हो जाता है तो यहाँ पर न्यूट्री सोया चंक्स हैं जो कि 1.5 कप है, ये डाल देंगे और इसमें एक बॉईल आने का वेट करेंगे। और यहाँ पर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो देखिए जैसे ही यहाँ पर बॉईल आ जाता है बस हम गैस को बंद कर देंगे और 2 से 3 मिनट का वेट कराएंगे और फिर इनको ठंडे पानी से धोने के बाद इनको अच्छे से स्क्वीज़ कर लेंगे। तो चलिए आगे की प्रोसेस में मैंने यहाँ पर ब्लेंडर ले लिया है और सारी तैयारी कर ली है। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ ये न्यूट्री सोया चंक्स जो मैंने अच्छे से स्क्वीज़ कर लिया था, इनमें पानी की एक बूंद भी नहीं है, ऐसे डाल देंगे। और मैं डाल रही हूँ यहाँ पर शिमला मिर्च जो मैंने ऐसे काट लिया है, और साथ में डाल रही हैं ये बीट रूट, चुकंदर, और इधर मैंने थोड़ा सा प्याज लिया है ऐसे स्लाइसेस में, और यहाँ पर डाल रही हैं पत्ता गोभी। तो इन सबको सब्जियाँ आप अपने हिसाब से भी ले सकते हो। थोड़ा सा मैंने अदरक और कुछ लहसुन के क्लॉव्स लिए हैं और यहाँ पर मैं नमक डाल रही हूँ हल्का सा, और बस इसी के साथ बिना पानी के हम इसको ब्लेंड करेंगे। और ये देखिए स्मूथ पेस्ट बनके बिल्कुल तैयार है, पानी का यूज़ यहाँ मत करें। अब इसकी बाइंडिंग के लिए मैंने यहाँ पर बेसन यूज़ किया है, तो 1 कप बेसन लिया है, आप चाहें तो आटे का भी यूज़ कर सकते हो। तो पहले हम थोड़ा थोड़ा बेसन डालेंगे। तो यहाँ पर हमने अभी 5 बड़े स्पून बेसन के डाले हैं। तो ध्यान रहे हम यहाँ पर वेज के कबाब्स बना रहे हैं, वेजिटेबल्स के आटे के नहीं बना रहे। तो ज़्यादा अगर आटा डाल देंगे तो वो आटा ही आटा मुँह में आता है और वेजिटेबल्स का जो टेस्ट है वो बहुत कम आता है। तो ये देखिए यहाँ पर ये मिक्स हो गया है लेकिन अभी इसकी लूज़ कंसिस्टेंसी है, ये देखिए। तो मैं यहाँ पर जो बचा हुआ बेसन है ना वो भी इसमें डाल दूँगी और इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा नमक डाल देते हैं इसी वक्त, और यहाँ पर मैंने डाल दिया है जीरा और थोड़ी सी काली मिर्च। यहाँ पर आप हरी मिर्च भी काट के डाल सकते हो, आप यहाँ पर फ्रोज़न कॉर्न्स, पनीर कुछ भी डाल सकते हैं, आप प्याज भी काट कर इस तरह से डाल सकते हो, इसको कुछ भी आप इसमें इनोवेटिव कर सकते हो। और ये देखिए पेस्ट बनके बिल्कुल तैयार है। तो हमारा जो पेस्ट है वो रेड बना है। यहाँ पर मैंने हाथों को ग्रीस कर लिया है क्योंकि हमने बीट रूट डाला है। अगर आप यहाँ पर पालक के पत्ते यूज़ करेंगे, धनिया के पत्ते यूज़ करेंगे तो हो सकता है कि आपका जो इसमें कलर आए वो ग्रीन आए। तो ये देखिए बिल्कुल इसमें हम बहुत ही लूज़ हमारी कंसिस्टेंसी है। और ये देखिए इसको टिक्की जैसा बनाने की हम कोशिश करेंगे, मैं अभी दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरह से। तो ये जस्ट मैंने आपको जस्ट बनाना बताया है। तो पहले हम लोग अपना पैन गरम कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं रिकमेंड करूँगी कि आप नॉनस्टिक का पैन लें जिससे कि इस पर ना चिपके। तो यहाँ पर हमने देसी घी को स्प्रेड किया है, आप चाहें तो यहाँ पर बटर, ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, और नॉनस्टिक का पैन है तो चाहे ना भी यूज़ करें। और इनको थोड़ा सा स्पेशियस मोड में डालें और फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे इस तरीके से। अब इनके ऊपर मैं थोड़ा थोड़ा सा घी डाल रही हूँ जिससे कि ये थोड़े से और क्रंची और टेस्टी बने। तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा भी आप क्रंची पसंद करते हैं, जिस भी हिसाब से। और इसको भी हम ऐसे टर्न कर देंगे, देखिए थोड़ा सा ये इधर लग गया है, बट डोंट टू वरी, इसको हम ऐसे निकाल देंगे, ये देखिए। तो बहुत ही अच्छा सा ये ब्रेकफास्ट बनता है। और इसमें अगर आप अपनी पसंद की सब्जियां ऐड ऑन करते हैं तो जैसा भी आपको अच्छा लगता है तो उसमें आप कुछ भी अपने हिसाब से ऐड ऑन कर सकते हो और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। यहाँ पर मैं ऊपर से भी इस तरह से घी लगा दूँगी, ये देखिए। और आप चाहें तो उसको स्किप भी कर सकते हैं, तो ऐसे ही टर्न कर देंगे। तो दोनों ओर से ही बहुत अच्छे सिकने चाहिए, ऊपर से भी नीचे से भी प्रॉपर, जैसे भी आपको पसंद है। मीडियम फ्लेम पर हो रहा है ये सारा काम, ये देखिए। तो बहुत अच्छे से हमारी ये सिककर यहाँ पर तैयार हैं। तो बस इनको निकाल लेते हैं और इनको सर्व कर लेंगे। तो जो भी आपकी फेवरेट चटनी हो, जो भी आपको सॉस पसंद है, ये देखिए उसके साथ आप इसको खाएं, सैलेड के साथ भी खा सकते हैं, आप इनको दही के साथ खा सकते हैं। तो बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है। तो यहाँ पर बच्चों का भी ध्यान रखा जा रहा है कि बच्चे भी इसको कैसे खाएं। तो हमने क्या किया, जो हमारे पास आटा बना रखा था गेहूं का जो हम नॉर्मल रोटी के लिए बनाते हैं, तो ऐसी ही एक नॉर्मल रोटी बनाई है और उसको हम इस तरीके से सेक लेंगे दोनों तरफ से। तो सेमी कुक करेंगे यहाँ पर, तो ये देखिए ज़्यादा कुक ना करें कि रोटी ही बन जाए। और यहाँ पर मैंने जो पत्ता गोभी का एक बड़ा पत्ता था साफ वो रखा है, और इधर मैं दोनों कबाब्स रख दूँगी इस तरीके से। और यहाँ पर मैं सैंडविच स्प्रेड लगा रही हूँ,
तो जो भी आपके पास यहाँ पर कोई चीज़ हो आप वो इस तरह से स्प्रेड कर सकते हो। तो जैसे कि बच्चों को तो बस ऐसे ही कुछ पसंद आता है, तो हमने इसमें इस तरह से ट्विस्ट दे दिया है, तो उसको ऐसे रोल कर देंगे। तो यहाँ पर आप बटर पेपर से भी इसको कवर कर सकते हैं, एल्युमिनियम फॉइल लगा सकते हैं अगर बच्चों के टिफ़िन में डाल रहे हैं। और यहाँ पर मैंने तो अभी टेम्प्रेरी टूथपिक लगा दी है। और यहाँ पर देखिए मैंने दूसरी तरह से भी बना रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने शेजवान सॉस का यूज़ किया है। आप यहाँ पर हरी चटनी या फिर आप नारियल की चटनी भी लगा सकते हो। कबाब रखने के बाद मैंने यहाँ पर सिंपल मायोनीज लगा दी है, तो जैसे भी बच्चे खाना पसंद करें। तो यहाँ पर हल्का सा मैं इधर काली मिर्च मैंने ऐसे स्प्रेड कर दी है, आप यहाँ पर रेड चिली फ्लेक्स, आप ऑरिगेनो सीजनिंग कुछ भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए, तो दोनों तरह से हमारे ये रैप्स बनकर बिल्कुल तैयार हैं। तो यहाँ पर मम्मी का भी और बच्चे का भी ब्रेकफास्ट बिल्कुल तैयार है। तो मेरी आज की वीडियो में बस इतना ही है, और अगर आज आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें हमारी वीडियो को। और अगर आप अभी अभी मेरे चैनल पर आए हो तो उसको सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल भी मत जाइएगा, और बेल के साथ कीजिए जिससे कि मेरे सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले जो भी मैं अपलोड करती हूँ। तो ऐसे ही किसी फ्रूटफुल वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।